गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। चलिए बेटा, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम 11th क्लास का एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज, ठीक है? और इस वीडियो में मैं जितने भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो सकते हैं किसके, अकाउंटिंग इक्वेशन के, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे लेकिन मैक्सिमम कितने पॉइंट्स बनते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट, मिस्टर राम, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है सर? तो क्या इंपैक्ट होगा सर इसका? इसका इंपैक्ट होगा कैश, और दूसरा किसमें इंपैक्ट होगा बेटा? कैपिटल। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो जगह इंपैक्ट पड़ेंगे, ये बात तो पता ही है ना बेटा आपको कि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं आपके साथ, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको पता होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होती है, वो क्या है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बेटा? तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट्स में होती है, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है बच्चा? तो पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1 लाख रुपीज, इसी एंट्री को ऐसे भी कह सकता है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, चेक रुपीज 2 लाख, गुड्स 50,000, फर्नीचर 2 लाख रुपीज। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करेंगे मेरे बच्चों? हम लोग बनाएंगे एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो स्टार्ट किससे किया है? विद कैश, दूसरा बैंक, तीसरा मेरे बच्चों गुड्स, और चौथा क्या बेटा? फर्नीचर। तो अगर स्टार्ट विद फॉलोइंग एसेट्स है तो उन सबके हम कॉलम खोल लेंगे। चलो 1 लाख रुपए कैश, हाँ जी, चेक बताओ कितने का बेटा? 2 लाख रुपए का, मतलब बैंक बढ़ जाएगा आपका, और 50,000 रुपए के गुड्स एंड 2 लाख रुपीज के फर्नीचर। तो इनका जो सम होगा वो इक्वल टू क्या बन जाएगी बेटा? कैपिटल। सम करो कितना हो गया? 5.5 लाख रुपए। तो 5.5 लाख रुपए से हमारी क्या इंक्रीज होगी? कैपिटल। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, तो एक तो सिंपल एंट्री होती है बेटा, और दूसरी में कहेगा कि स्टार्ट विद चेक, कैश, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। तो आपने सारे अकाउंट खोलने हैं और इनका जो सम इक्वल टू होगा वो क्या बन जाएगी हमारी? कैपिटल। आई होप ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहां पर है, ठीक है? चलिए केस नंबर थर्ड देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। तो पहले दो पॉइंट क्लियर होंगे कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है? चलो आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में परचेज के मैक्सिमम कितने केस बन सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो परचेज ऑफ गुड्स में क्या होगा सर? एक तो कैश परचेज हो सकता है और दूसरा क्या होगा बेटा? क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है? जब भी हम कैश परचेज करेंगे तो उसके 2 इंपैक्ट होंगे सर, एक तो कैश में और दूसरा किस में बेटा? गुड्स में। तो गुड्स अगर आपने कैश में खरीदा मेरे बच्चों, तो हमारे पास कैश क्या होगा? प्लस, और गुड्स हमारा क्या होगा? इंक्रीज, और कैश हमारा क्या होगा? माइनस। लेकिन अगर यही गुड्स हमने किस में लिए हैं? क्रेडिट में लिए हैं, तो हमारे पास कैश में क्या चेंज होगा सर? कैश में कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारे पास क्या आ गए सर? गुड्स तो इंक्रीज हो गए, और साथ में हमारे पास लाइबिलिटीज का कॉलम खुल जाएगा। किसका? लाइबिलिटीज का। और लाइबिलिटीज में कॉलम खोल सकते हैं किसका? क्रेडिटर्स का बेटा, और वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने की दो ही तरीके हैं, या तो गुड्स हम कैश में खरीदेंगे, या गुड्स हम कैसे ले रहे हैं बेटा? क्रेडिट में। तो गुड्स अगर हमने कैश में लिए तो कैश कम होगा, गुड्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गुड्स हमने क्रेडिट में लिए, उधार में लिए, तो कैश में नो चेंज, गुड्स हमारे इंक्रीज होंगे और हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, है ना? तो परचेज में मैक्सिमम 2 बातें हो सकती है। चलो सर,
सर अगर परचेज ऑफ कोई फिक्स्ड एसेट्स कर रहे हैं हम लोग, हम क्या खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है सर। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह से हो सकती है, या तो कैश, अच्छा कैश और चेक एक ही मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में चेक लिखा है या बैंक लिखा है तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, तो परेशान ना हो बेटा। चलो मैं चेक के थ्रू कराता हूं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या तो आपने कैश या चेक से लिए, या आपने कैसे परचेज किया होगा, क्रेडिट में। तो अगर फिक्स एसेट्स आपने खरीदी तो हम एसेट्स में एक कॉलम खोल देंगे। सर क्या खरीदा आपने, फर्नीचर, तो ठीक है सर फर्नीचर का कॉलम खुल जाएगा और फर्नीचर क्या हो जाएगा, प्लस। और हमने पेमेंट कैसे करी, चेक से करी, तो दूसरा कॉलम किसका है, बैंक, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक हमारा कम हो गया और फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया। ये दोनों हमने किसके अंदर खोले हैं, एसेट्स के अंदर। तो आई होप इम्पैक्ट क्लियर होगा बेटा। अगर हमने फर्नीचर उधार में खरीदा है, ठीक है, तो सर हमारे पास फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या पेमेंट करी, सर पेमेंट तो नहीं करी, तो लाइबिलिटीज में हो जाएगा वेंडर, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, वेंडर फॉर फर्नीचर, है ना, वेंडर फॉर फर्नीचर या वेंडर फॉर फर्नीचर ही खोल लीजिए, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। सर आपने तो कहा था अगर हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो क्रेडिट्स बढ़ता है। बेटा अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जिसका आप बिजनेस करते हैं, तो उस केस में तो क्रेडिट्स बढ़ता है, लेकिन जब कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो उस केस में वेंडर बढ़ता है, ठीक है। तो अगर जो एसेट्स आप खरीद रहे हो किसके लिए, अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, फॉर ऑफिस यूज है, ये किसके लिए खरीद रहे हो, ऑफिस यूज के लिए। आई होप इतनी बात क्लियर होगी बच्चा। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हम खरीद रहे हैं वो किसके यूज के लिए, वो ऑफिस यूज के लिए बेटा, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, इसमें एक पॉइंट पेंडिंग अभी। पॉइंट नंबर 5 देख रहे हैं कि अगर हम परचेज ऑफ कोई भी फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, और सर किसके लिए खरीद रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, है ना। तो अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हैं फॉर पर्सनल यूज, ठीक है सर, तो उस केस में क्या होता है मेरे बच्चों, हमेशा पेमेंट अगर कैश से हुई है या चेक से हुई है, तो फर्म का कैश और बैंक क्या होगा, माइनस होगा। और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, तो सर हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, सर फिक्स्ड एसेट्स नहीं बढ़ेगी। बेटा फिक्स एसेट्स जो खरीदी है वो हमारे पास थोड़ी आई, वो कहाँ चलेगी, उसके घर पे चलेगी पर्सनल यूज के लिए, तो इसलिए उस एसेट्स की एंट्री हमारे पास नहीं होगी। तो हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, अगर कभी भी प्रोप्राइटर्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट्स खरीदता है और उसकी पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, तो फर्म अपना कैश या बैंक माइनस कर देगी और दूसरा कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की, ठीक है। चलो सर आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, कुछ बैंक की ट्रांजैक्शन कहते हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कैश डिपॉजिट। तो आपने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खोला और एक कैश डिपॉजिट किया, तो सर बताओ इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बैंक में अकाउंट खोला और कैश डिपॉजिट किया, तो एक इम्पैक्ट तो कैश में होगा और एक इम्पैक्ट किस में होगा, बैंक में। बताओ सर कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। बेटा हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। 7th, अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से पैसे निकाले किसके यूज के लिए, सर पर्सनल भी हो सकता है और ऑफिस यूज का भी हो सकता है ना। चलो सर, तो अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए, जहां भी पर्सनल यूज आएगा मेरे बच्चों,
हमेशा कैपिटल क्या होगी सर, माइनस होगी। और दूसरा कैश निकाला या चेक निकाला, सर बैंक से निकाला है तो बैंक कम हो जाएगा। अगर ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं, आप बैंक में गए और बैंक से आपने पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, किसके लिए बेटा, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है सर, ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले, तो फर्म के पास क्या इंक्रीज हो रहा है, फर्म के पास क्या आ रहा है। चलिए कैश विड्रॉल किया तो सर फर्म का जो कैश होगा वो इंक्रीज होगा और फर्म का जो बैंक का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। सर अगर एग्जाम में मेंशन ना हो कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक कर रहे हैं, अगर मेंशन ना हो तो हमेशा ऑफिस यूज मानते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कहता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्सेड्स, अगर वहाँ मेंशन नहीं है किस यूज़ के लिए तो आप मानेंगे हमेशा ऑफिस के लिए। लेकिन कहता है कि इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, तो ये पर्सनल होंगे, तो जब तक मेंशन नहीं होगा हमेशा हम लोग ऑफिस यूज़ मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात बेटा, तो हमने यहाँ तक पॉइंट नंबर 7 तक ख़त्म कर लिए, आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। चले बेटा आगे हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे। तो अगर बिजनेस को चलाने में आप जितने भी खर्चे करते हैं उनके हमेशा दो इम्पैक्ट होंगे बेटा। दो इम्पैक्ट क्या होंगे, जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे, हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कार्टेज दे रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, कैरिज फ्रेट कोई भी खर्चा कर रहे हैं, तो हमेशा कैश माइनस होगा मेरे बच्चों, और दूसरा क्या होगा, हमेशा कैपिटल माइनस होगी। तो अगर आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमेशा हमारा कैश और कैपिटल माइनस होगी, ठीक है। आगे अगर हमें कोई इनकम जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में कोई इनकम आ रही है, तो हमेशा हमारा कैश प्लस होगा और हमारी कैपिटल प्लस होगी। तो अगर प्रॉफिट होगा या कोई इनकम आएगी तो कैश कैपिटल बढ़ेगा, और लॉस या एक्सपेंस होंगे तो हमेशा कैश और कैपिटल दोनों ही माइनस होंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग ड्यू अनपेड एरियर्स। इन सब का मतलब एक ही है, इसका एक ही मतलब है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब ये होता है कि हमने बेनिफिट तो ले लिया, बेनिफिट तो हमने कंज्यूम कर लिया, बेनिफिट तो ले लिया, बट पेमेंट नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, आउटस्टैंडिंग रेंट, जहां मेरा अपना इंस्टीट्यूट अपना सेंटर है, मैंने वहां का रेंट नहीं पे किया, लेकिन मैं 2 महीने से वहां पे रह रहा हूं, मेरा सेंटर चल रहा है, अब मैंने रेंट नहीं पे किया, सोचो रेंट पे करना है, या मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, सैलरी देनी है, तो एक्सपेंस हो गए ना। जब भी एक्सपेंस होंगे हमेशा कैपिटल माइनस होगी, आप देख लो ऊपर लिखा तो है, कोई भी एक्सपेंस होगा तो क्या होगी, कैपिटल माइनस होगी, ठीक है सर। लेकिन हमारे पास से कैश माइनस नहीं होगा, क्यों, पेमेंट तो करी नहीं, तो सर पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में, तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो लाइबिलिटीज में एक कॉलम खुल जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, और कैपिटल हमारी माइनस हो जाएगी। इसका लॉजिक ये है कि हमने बेनिफिट तो ले लिया, पेमेंट नहीं करी है, तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होगी, फ्यूचर में देना पड़ेगा, और एक्सपेंस तो हो चुके हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं, एक्रुअल सिस्टम से बनाते हैं ना, तो हमने बेनिफिट तो ले लिए इस साल में, पेमेंट नहीं करी तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगला पॉइंट है एडवांस प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। अब एडवांस प्रीपेड अनएक्सपायर्ड में दो बातें हैं, इन सब का मतलब है कि एडवांस या तो हमने एक्सपेंस दिए हैं या एडवांस मुझे कोई इनकम मिल रही है। आप खुद सोचो, मैं अपनी बात करता हूँ, कुछ बच्चों ने मुझे 11th क्लास में 12th की फीस एडवांस दे दी, मैंने एक ऑफर निकाला, मैंने कहा जो अगले साल मेरे पास पढ़ेगा उसको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे अगले साल के लिए पैसे एडवांस दे दिए। अब एक बात बताओ, मेरी बुक्स में, मेरे अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट होगा, सर इनकम एडवांस मिल गई तो सबसे पहली बात है मुझे कैश मिल गया, तो सर कैश तो बढ़ गया मेरा, लेकिन वो जो इनकम मुझे मिली क्या वो इनकम मेरी आज की है, अगले साल मैं पढ़ाऊंगा तब जाके मेरी इनकम बनेगी ना, लेकिन सर पैसे तो आ गए,
लेकिन बेटा उसे हम इनकम तब मानेंगे जब उसके अगेंस्ट मैं काम कर दूंगा, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो अगर कोई एडवांस मुझे इनकम मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, अपना कैश बढ़ा देता हूँ। एसेट्स में मैंने क्या किया, कैश को इंक्रीज कर दिया, और लाइबिलिटीज़ में एक अकाउंट खोल दिया एडवांस इनकम का, एडवांस फीस का। मैंने साथ में अपनी लाइबिलिटीज़ को भी बढ़ा दिया। हो सकता है फ्यूचर में ये पैसा मुझे वापस करना पड़े। सर इसको अपनी कैपिटल में ऐड कर दो। बेटा कैपिटल में दब ऐड होगा जब हमारी ये इनकम हो जाएगी, अभी तो मुझे एडवांस मिला है। तो अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस मिलती है तो कैश बढ़ेगा और साथ में लाइबिलिटीज़ में कॉलम खुल जाएगा एडवांस इनकम का। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। अगला पॉइंट है कि अगर मैंने कोई खर्चा एडवांस पे कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने एडवांस सैलरी दे दी, हो सकता है हमने रेंट एडवांस दे दे 6 महीने का, ठीक है। अब मैंने अभी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने पहले ही पे कर दिया, तो आज जब मैं एडवांस कोई खर्चा करूँगा तो मेरे पास से क्या जाएगा, सर कैश जाएगा। तो कैश क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर। लेकिन जो मैंने पेमेंट करी है उसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, है ना, मेरे पास क्या हो गया, एक लीगल राइट्स आ गया उसका। तो जो खर्चे मैंने एडवांस दिए हैं फ्यूचर में मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो एसेट्स में एक कॉलम खुल जाएगा बेटा, किसका, एडवांस एक्सपेंस का, गेटिंग। तो जब हम एक्सपेंस एडवांस देंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा और दूसरा एसेट्स में कॉलम खुल जाएगा एडवांस एक्सपेंस का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये हमारे पॉइंट नंबर 11 हो गए बेटा, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए बेटा, कुछ स्पेशल केस देखते हैं और ये पॉइंट बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है, उसमें स्पेशल केस पहला, इसे केस 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो सर केस 1 क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है गुड्स की कॉस्ट 10,000 रुपये, बेचा कितने में, 15 में, ये कैश सेल है। तो 10,000 रुपये की चीज़ 15 में बेच दी, 5,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बताओ 10 की चीज़ आपने 15 में बेच दी, तो मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक बात बताओ, अगर 10 की चीज़ 15 में बेच दी तो गुड्स कितना जाएगा, 10,000 रुपये, और बेचा कितने का, 15 का, तो कैश कितना आएगा, 15, और 5,000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो भाई 10,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी, सेलिंग प्राइस 15,000 है, तो गुड्स 10,000 रुपये कम हो गया, कैश 15 आ गया, 5,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट। सेम अगला केस, ये भी कैश सेल है, 10,000 रुपये की चीज़ कितने बेची आपने, 8 में, तो सर 2,000 रुपये का नुकसान। तो नुकसान और प्रॉफिट जब भी आएगा वो हमेशा कैपिटल में आता है। तो अगर फ़ायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, नुकसान होगा तो कैपिटल हमेशा कम होगी। तो 10,000 रुपये की चीज़ चली गई आपके पास गुड्स, कैश कितना आया, 8, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखिए बेटा, कि गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 रुपये। सर ये तो पहले वाले केस की तरह है। हाँ बेटा, लेकिन कुछ चेंजेस है यहाँ पे। मैंने क्या बोला है, क्रेडिट सेल है, उधार में बेचा है। तो अगर 10,000 रुपये की चीज़ आपने 15,000 में उधार बेची है, तो हमारे पास कैश तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास से गुड्स कितना चला गया, 10,000 रुपये का। अभी पैसे मिले नहीं है, फ्यूचर में मिलेंगे, तो उसके लिए एसेट्स में कॉलम खुलता है किसका, डेटर्स का, कितने से, 15,000 रुपये से, और 5,000 रुपये की हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। 10,000 रुपये की चीज़, 10,000 रुपये का गुड्स 15,000 में बेच दिया, तो गुड्स 10,000 माइनस होगा, डेटर्स 15,000 बढ़ जाएंगे, और 5,000 रुपये का हमारे लिए फ़ायदा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी हमें कैश तो मिला ही नहीं है, तो इसके लिए चैप्टर 4 देखना पड़ेगा, एक्रुअल सिस्टम, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे उसके कैश मिले ना मिले, अगर हमें प्रॉफिट कमाया तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। एक्रुअल सिस्टम कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश, कैश नहीं देखते हम लोग, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 8,000 रुपये, नुकसान कितना हो गया, 2,000 रुपये का। केस नंबर 4, कौन सी सेल है, अगेन क्रेडिट सेल है। तो गुड्स कितना गया आपके पास से, 10,000 रुपये, डेटर्स कितने आ गए, 8,000 रुपये, फ़ायदा हुआ नुकसान, सर 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस वाले के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं बेटा, इसके बाद
चले स्टार्ट करें बेटा, कुछ और केसेस हैं सेल के ऊपर ही, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि आपके पास गुड्स है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 48,000 रुपये, वन फोर्थ ऑफ अबव गुड्स, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33⅓ एंड वन फोर्थ अमाउंट रिसीव इन कैश। क्या कह रहा है? गुड्स कितना आपके पास सर? 48,000 रुपये। 48,000 के गुड्स को, 48,000 के गुड्स को आपने क्या किया सर? सर 48,000 के गुड्स को हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो 48,000 के गुड्स को जब हमने बेचा तो पूरा थोड़ी बेचा, इसका वन थर्ड पार्ट, तो 48,000 रुपये का वन फोर्थ कितना होगा बेटा? 12,000। तो वन फोर्थ पार्ट कितना हो गया? 12,000 रुपये। अब 12,000 के गुड्स को कितने प्रॉफिट में बेचा? 33⅓ परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? वन थर्ड आएगा बेटा। तो इसका मतलब 12,000 के गुड्स को वन थर्ड प्रॉफिट में बेचा है। तो जरा बताओ 12,000 का वन थर्ड कितना होता है? 4,000 रुपये कैसा आया सर? 12,000 रुपये का वन थर्ड किया होगा, 33⅓ को सॉल्व करेंगे तो वन थर्ड आएगा, हाँ जी। तो 4,000 रुपये, तो फाइनली कितने बेचा आपने? 16,000 में। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर कहता है कि जो गुड्स आपने बेचा उसका वन फोर्थ अमाउंट रिसीव इन कैश, वन फोर्थ रिसीव हो गया कैश में, तो 16,000 का वन फोर्थ कितना होगा? 4,000 रुपये। और बाकी कितना बचा? 3/4, वो कितना होगा? 12,000 रुपये। तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोगों के पास 48,000 का स्टॉक पड़ा था, उस स्टॉक का हमने वन फोर्थ पार्ट बेच दिया, लेकिन वन फोर्थ पार्ट की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है? 12। तो 12 में थोड़ी बेचा, उसको मार्जिन में बेचा, मार्जिन कितना है? 33⅓, मतलब हमने बेचा मार्जिन में कितना? वन थर्ड आया ना। तो 12,000 का वन थर्ड कितना होगा? 4,000 रुपये। तो कितने बेचा? 16,000 में। तो इसका मतलब 12,000 रुपये की चीज़ 16 बेच दी, लेकिन आपको कैश केवल कितना मिल रहा है? वन फोर्थ पार्ट। तो इसका 16,000 का वन फोर्थ कितना होगा? 4,000 रुपये, और 3/4 कितना होगा? 12,000 रुपये। तो टोटल मिला के ये बात है कि हमारे पास गुड्स कितने का गया सर? 12,000 रुपये का। सर हमारे पास कैश कितना आया? 4,000 रुपये। सर हमारे डेटर्स कितने बढ़ जाएंगे? 12,000 रुपये। और हमें फ़ायदा सर कितने का हुआ? 4,000 रुपये का। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। ये मुश्किल क्वेश्चन है, जब कुछ स्कूलों के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, बाकी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछता है। गुड्स कॉस्टिंग कितनी है? 10,000 रुपये सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो 10,000 के गुड्स को 20% के लॉस में बेचा, तो 10 का 20 कितना होता है? 2,000 रुपये। तो 10,000 रुपये की चीज़ कितने बेची भाई आपने? 8,000 में, और कैश में बेची, ठीक है। तो कैश कितना आया? 8। गुड्स कितना गया? 10। फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। तो मैंने सेल के सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। अगला पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर राम एंड रिसीव BR फॉर 3 month मैच्योरिटी। याद है मैंने कहा था बिल रिसीवेबल, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमें उस पर डाउट होता है, तो हम उसके कागज या टुकड़े पे साइन करवा लेते हैं कि तू हमें साइन करके दे कि हाँ तू 3 महीने बाद पैसे दे देगा, तो उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बाकी एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? हमारा गुड्स चला गया और हमारी एसेट्स में कॉलम किसका आ जाएगा? BR का, ठीक है। तो गुड्स चला गया और क्या मिला? BR बढ़ गया आपका। अच्छा, ये BR अगर 3 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा तो सर क्या एंट्री होगी? मैं ही समझा देता हूँ। 3 महीने बाद हमारा BR क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा सर। और BR ख़त्म होगा तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? 10,000 रुपये से हमारा कैश या बैंक बढ़ जाएगा। तो 3 month की मैच्योरिटी है, 3 महीने बाद वो बिल के पैसे में मिल जाएंगे, तो BR ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो कैश या बैंक इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद। चले बच्चे आगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो देख लेते हैं एक बार, कुछ मिसलेनियस एंट्रीज हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों मिसलेनियस में, हम क्या बात करें जी? चलो मिसलेनियस में बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन लगता है ऑन मशीनरी या किसी भी फिक्स सेट्स पे,
तो सर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी हमारी एसेट्स है, मान लीजिए मशीनरी है, वो हमारी कम हो जाएगी और हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मेरे बच्चे नंबरिंग मुझे याद नहीं, लिख लेना आप लोग, तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा खर्चा तो कैपिटल भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने पता नहीं टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन आप अभी याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो कैपिटल में प्लस होती है और कैपिटल से माइनस होती है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी इम्पैक्ट सेम होता है, ये कैपिटल में प्लस और कैपिटल से क्या होगी? माइनस। अगर इसकी बात करेंगे सर ऐसा क्यों होता है या हम ना करें तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। अब इसका लॉजिक ये है कि आपने अकाउंट अगर चैप्टर नंबर थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो उस कॉन्सेप्ट में बेटा, जब फर्म आपको इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। तो इसलिए हमारी कैपिटल कम हो गई और फाइनली इंटरेस्ट मिल किसको रहा है? प्रोप्राइटर्स को, ओनर को, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हम इसे कैपिटल में प्लस और कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की है बेटा, ठीक है। एक पॉइंट और था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाँ जी, गोडाउन में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए बेटा, तो क्या इम्पैक्ट होगा? सर गुड्स माइनस होंगे और नुकसान है तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। आई होप क्लियर होगा। तो डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। एक पॉइंट छूट गया, अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट या कोई भी एक्रूड इनकम हो। एक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है बट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम अर्न कर ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। तो सर इनकम अर्न तो हो गई है, जब इनकम हो गई तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और अभी आपको क्या हुआ है? सर कैपिटल, ये इनकम मिली नहीं है, तो एसेट्स में एक कॉलम खोल सकते हैं आप एक्रूड इनकम का, ठीक है। एक कहानी थी फुल सेटलमेंट वाली, फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट देखा होगा आपने। फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है 18,000 रुपये का। कितने का बेटा? 18,000 रुपये का आपके पास एक क्रेडिटर्स है, और हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया 17,500 में। तो इसका मतलब सर हमारी पॉकेट से कैश कितना जाएगा? 17,500। लेकिन सर हमारी जो लाइबिलिटीज कम होगी वो पूरी 18, और 500 हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। सर 500 रुपये प्रॉफिट क्यों हुआ? भाई जिसको हमने 18,000 रुपये देने थे, हमने कहा भाई एक काम कर, तुझे पेमेंट आज ही कर रहे हैं, बता कितना पे करें। तो बैठ के बात हुई, 17,500 फाइनल हो गया, तो हमारी पॉकेट से कैश कितना गया? 17,500। लेकिन हमारी लाइबिलिटीज तो पूरी ख़त्म हो जाएगी ना 18,000 रुपये की, और 500 रुपये का क्या हो गया बेटा आपको? फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए। अगर ये सारे पॉइंट आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे बच्चा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।